वेलकम, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। मैं हूं इनशा। आज मैंने अनबॉक्सिंग करनी है वीवो Y31। आपको पता है कि जो वीवो की वाई सीरीज़ है, इसमें काफ़ी सारे फ़ोन्स आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं। स्पेशली ये जो मिड रेंज कैटेगरी में आते हैं ये फ़ोन, ये पसंद किए जाते हैं। कुछ इस तरह के भी डिवाइसेस हैं जिसमें आपको AMOLED स्क्रीन भी दी गई है वीवो की वाई सीरीज़ में। तो वीवो Y31 की जो प्राइस है वो है 34,999। तो 35,000 की प्राइस रेंज में आपको ये मिल सकता है वीवो Y31। अब इससे कुछ मेन हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि इस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स देखते हैं कि क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमें बाकी डिवाइस में नहीं मिल रहा या बाकी ब्रांड्स ऑफर नहीं कर रहे। तो इसमें आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट का इसमें फास्ट चार्ज मिल रहा है और इसका डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि कुछ डिवाइसेस ऐसी आती हैं वाई सीरीज में जिनके डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, इनके डिवाइस काफ़ी प्रीमियम फील आती है उनको देखकर। तो ये कुछ हाईलाइट पॉइंट्स थे। मेरे पास जो वेरिएंट है ये 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। बैक साइड पर कुछ डिटेल्स हैं वही जो मैंने आपको हाईलाइट पॉइंट्स के बताए, लेकिन यहाँ पर आपको ऑडियो बूस्टर भी मिल रहा है और आपको 1080p का हेलो फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा है। तो हम इसको जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और मेरे पास जो कलर है वो है रेसिंग ब्लैक कलर का। तो हम इसको करते हैं अनबॉक्स। सबसे पहले हमें मिलता है ये बॉक्स, इसमें हमें मिलता है ये कुछ पेपर वर्क, हमें मिलता है इसका बैक कवर, जैसे कि मिड रेंज फ़ोन में आपको बैक कवर मिलता है बिल्कुल सेम वैसा ही, और हमें मिलता है बॉक्स के अंदर अडॉप्टर और ये है, और ये आपको मिलता है 18 वॉट का फास्ट चार्ज। तो 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट का इसमें फास्ट चार्ज दिया गया है, तो अच्छी बात है कि आपको इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है, तो चलें आपकी डिवाइस बहुत टाइम नहीं लगाएगी चार्ज होने में। इसके साथ यहाँ पर हमें मिलती है इसकी टाइप सी की केबल और हमें हैंड्स फ्री मिलते हैं जिसकी बहुत ज़रूरत रहती है। वीवो Y31 को हमने कर लिया है अनपैक। सबसे पहले इसके बैक पैनल की तरफ बात करते हैं। तो बैक पैनल जो है ये है प्लास्टिक का, काफ़ी ग्लॉजी सा है, रेसिंग ब्लैक कलर का है। इस साइड पे थोड़ा सा लाइट शेड पड़ रहा है तो ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, इसमें आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड इसके साथ डेप्थ सेंसर, फ्लैश लाइट भी दी गई है आपको। कैमरा मॉड्यूल मुझे वैसे ही इस तरह के डिज़ाइन में बहुत पसंद है। इसके साथ अगर आप इसकी राइट साइड पे देखें तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, बॉटम पे आपको मिलती है टाइप सी की पोर्ट, लाउड स्पीकर, ऑडियो जैक और इसके साथ सबसे टॉप पे आपको मिलती है इसकी सिम स्लॉट, इसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज है। तो फ़ोन की अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो फर्स्ट लुक तो इसकी मज़े की है, लाइक अच्छा लगता है यह फ़ोन दिखने में, अट्रैक्टिव डिज़ाइन दिया गया है, क्योंकि डिज़ाइन भी काफ़ी मैटर करता है कि आपके पास जो फ़ोन है उसका डिज़ाइन कैसा है, कितना हैवी है। तो 5000 mAh की बैटरी के साथ मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा भी हैवी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी के साथ वैसे ही डिवाइस का वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। डिस्प्ले की तरफ देखते हैं तो टॉप पे आपको मिलता है इसका नॉच, इसमें आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, सैंपल्स में आपको दिखा दूंगी। और इसके साथ अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ, 6.58 इंच का डिस्प्ले, तो डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है और बेजल्स भी काफ़ी थिन है, चीन की तरफ से भी इवन काफ़ी कम बेजल्स दिए गए हैं। साइड माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको मिलता है IPS पैनल, फुल HD+ की रेजोल्यूशन है, तो अच्छी बात है कि मैं बजट फ़ोन में रेजोल्यूशन अच्छी दी जा रही है आजकल। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि मिड रेंज फ़ोन में हम लोगों ने यही देखना होता है कि इसमें परफॉर्मेंस कैसी है, इसमें क्या चिपसेट दिया गया है, गेमिंग कैसी होगी। इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 662 का चिपसेट, तो आपको पता है कि ये चिपसेट आप काफ़ी दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इस चिपसेट में गेमिंग भी बहुत दफ़ा हम दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने चेक तो करना होता है कोई भी फ़ोन किस तरह परफॉर्म कर रहा है अगर आप इतने पैसे किसी फ़ोन पर खर्च भी कर रहे हैं। तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 662 का चिपसेट और इसके साथ Android 11 के साथ ये आ रहा है, फन टच 11 के साथ आ रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज हम लोग चेक करेंगे, रिव्यू में तमाम चीज़ें कवर करनी है। कैमरा से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कैमरा को कवर करेंगे, क्योंकि कैमरा और गेमिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। अगर
अगर बात की जाए इसकी बैटरी की, तो 5000 mAh की इसमें बैटरी है, 18 वॉट का इसमें फास्ट चार्ज मिल रहा है, तो बैटरी तो काफ़ी आपका टाइम निकाल लेगी, लेकिन आपको फास्ट चार्ज दिया गया है तो चलें वो नहीं है कि बहुत देर में चार्ज होगी, बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो वीवो Y31 में आपको रैम 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि स्टोरेज भी आपको ज़्यादा दी गई है। बाकी लुक्स मुझे इसकी काफ़ी पसंद आए, अगर आप एक अच्छे लुक्स चाहते हैं, कैमरा आपको अच्छा चाहिए, इसके साथ आपको अगर लुक्स अच्छी चाहिए और इसका डिस्प्ले भी इसका अच्छा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप बताइए कि आपका क्या ख्याल है वीवो Y31 के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग वाई सीरीज़ जब यूज़ करते हैं तो अपग्रेड करते रहते हैं अपने फ़ोन्स, तो मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार और इसका रिव्यू बहुत जल्द आएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।